टोयोटा ने आज अपनी मोस्ट अवेटेड कार यानी पिकअप ट्रक हाइलक्स को इंडियन मार्केट में रिवील कर दिया है, जिसके ऑलमोस्ट सभी फीचर्स सामने निकल कर आए हैं। हालांकि टोयोटा कंपनी ने इस पिकअप ट्रक को फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा के प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया है, तो इस कार के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स फॉर्च्यूनर के ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वो है इसका इंजन स्पेसिफिकेशन। हालांकि बहुत ही पावरफुल इंजन का इस्तेमाल इस कार के अंदर किया हुआ है। फॉर्च्यूनर वाला ही 2.8 लीटर फोर सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन इस कार के अंदर यूज किया हुआ है, जो कि लगभग 204 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है। इसके अलावा 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी प्रोड्यूस कर पाता है। तो इस पिकअप ट्रक के अंदर आपको काफ़ी पावरफुल इंजन स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस कार के अंदर आपको 6-speed मैनुअल और 6-speed ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि पावरफुल इंजन इस कार के अंदर ऑफर किया हुआ है और सेम इंजन ग्लोबल मार्केट वाले मॉडल के अंदर भी ऑफर किया जाता है। इसके डायमेंशंस की अगर मैं बात करूं तो इस कार की लेंथ है 5325 mm की, जो कि कंपटीटर कार यानी आईसुजु डीमैक्स के मुकाबले 30 mm ज़्यादा है। इसके अलावा इसके विड्थ है 1855 mm की, जो कि आईसुजु डीमैक्स के मुकाबले 5 mm ज़्यादा है। इसके अलावा हाइलक्स की हाइट है 1815 mm की, जो कि डीमैक्स के मुकाबले 40 mm ज़्यादा है। तो यहाँ पर टोयोटा की हाइलक्स कंपटीटर कारों के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन ये टोयोटा फॉर्च्यूनर के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा बड़ी है लेंथ के मामले में और विड्थ के मामले में। तो यहाँ पर इसके डायमेंशंस थोड़े से बड़े हैं। एक्सटीरियर लुक की अगर मैं बात करूँ तो इसका फ्रंट फीचर भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और साइड से और रियर से दिखने में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। हालांकि ये एक पिकअप ट्रक है, लगभग 1000 किलो का सामान आप इसके रियर के बूट में कैरी कर सकते हैं, तो आप इस कार के अंदर ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं और अपना अच्छा खासा सामान कैरी कर सकते हैं। तो इस कार को मल्टीपर्पज़ के लिए बनाया गया है। हालांकि इंडिया में महिंद्रा की बोलेरो को इस टाइप में बेचा जाता है, जिसके अंदर आप अपना अच्छा खासा सामान कैरी कर सकते हैं। तो बात करते हैं हाइलक्स के एक्सटीरियर लुक के बारे में। इसका फ्रंट फीचर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्रिल्स का इस्तेमाल इसके फ्रंट फीचर में किया हुआ है। हालांकि जो इंटरनेशनल वाला मॉडल है, सेम मॉडल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नॉर्मल से चेंजेस करे गए हैं। ऑक्टोगोनल शेप में एक क्रोम बार आपको ग्रिल्स के सराउंडिंग में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके ग्रिल्स के ऊपर आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसके फ्रंट बम्पर के नीचे थोड़ा सा अलग डिजाइन दिया हुआ है, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कलर की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर आपको फुल LED हेडलाइट का सेटअप देखने को मिल जाएगा। LED DRL का इस्तेमाल आपको टोयोटा की हाइलक्स इस कार के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसका फ्रंट फीचर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन साइड से भी ये दिखने में काफी ज्यादा कमाल की लगती है। इसके जो फेंडर्स है ब्लैक कलर के साथ आते हैं, लेकिन इसका जो शेप है काफी ज्यादा बड़ा रखा हुआ है। इसके ORVMs के ऊपर और डोर हैंडल के ऊपर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसके अंदर रूफ रेल्स नहीं दिए जाते, उसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन देने चाहिए थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। इसके रियर का फीचर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके रियर में टेलगेट के ऊपर आपको LED टेल लाइट का सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। तो यह है कम्प्लीटली इसका एक्सटीरियर लुक। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर फीचर्स के बारे में। इस कार के अंदर बहुत सारे फीचर्स फॉर्च्यूनर से इंस्पायर्ड है, मतलब इसके अंदर आपको फॉर्च्यूनर वाला फील आने वाला है। हालांकि इसकी जो कीमत है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन इसके इंटीरियर में आपको ब्लैक कलर का थीम देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर आपको एंटरटेनमेंट के लिए 8 इंच का बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ड्राइवर के लिए मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन दिया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, लेदर अपहोल्स्ट्री और लेदर के सीट्स, और फर्स्ट और सेकंड रो के ऊपर आपको अच्छी खासी स्पेसिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि इसका व्हील बेस भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो फर्स्ट रो के ऊपर और सेकंड रो के ऊपर बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, और सेकंड रो के ऊपर भी आपको लगभग AC वेंट्स और बाकी के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस पिकअप ट्रक के इंटीरियर में काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे गए हैं, लेकिन सेफ्टी का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है। जैसे कि इस पिकअप ट्रक के अंदर आपको 7 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आज के डेट में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले आउट करते हैं। इसके अलावा फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स इस कार के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे सेफ्टी के लिए। इसके अलावा एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल इस कार के अंदर दिया जाता है, टायर एंगल मॉनिटर, इलेक्ट्रोक्रोमिक इनसाइड रियर व्यू मीटर और अच्छे खासे फीचर्स आपको टोयोटा की हाइलक्स इस कार के अंदर सेफ्टी के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये कार इंटीरियर से भी काफ़ी ज़बरदस्त है, इसके अंदर सेफ्टी के फीचर्स भी काफ़ी बढ़िया तरीके से ऑफर करे गए हैं और एक्सटीरियर का लुक भी काफ़ी ज़बरदस्त है। हालांकि इसके डायमेंशंस थोड़े से बड़े हैं, तो डेफिनेटली ये फॉर्च्यूनर से और कंपटीटर कारों से ये थोड़ी सी बड़ी दिखने वाली है। अब बात करते हैं इसके लॉन्चिंग के बारे में। हालांकि इसको आज ऑफिशियली रिवील किया गया है, ना कि लॉन्च, इसका जो लॉन्च है वो मार्च में होने वाला है, लेकिन इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो लगभग 20 से 25 लाख रुपए के बीच में होने की उम्मीद है। लाइक 25 लाख रुपए के ऊपर ही इसकी कीमत रहेगी। लेकिन इस कार के अंदर आपको फॉर्च्यूनर के फीचर्स मिलेंगे और फॉर्च्यूनर का इंजन स्पेक
मिलने वाला है इस पिकअप ट्रक के अंदर। तो भाई ये तो डेफिनेटली आने वाले समय में तबाही मचाने वाली है इस सेगमेंट में। और आपको ये टोयोटा की पिकअप ट्रक कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।